मजदूरी संगवारी आवे श्रम के पुजारी ना रे भैया हो के जे सारी दुनिया बनाए दिन भर चूहाए अपन लहू यौ पसीना ना रे भैया हो रथिया के बोरे वासी रखाए खुदे अपन झोपड़ी में दिन लागू गुजारे ना रे के बड़े बड़े नारे सुआ हो कि बड़े बड़े बिल्डिंग कैमरा हो कैमरा उसको छोड़ दूंगा, उसका तो बुखार ये तो नहीं है, उल्टियाँ नहीं है। जैसे प्लास्टर कर दी, प्लास्टर लगा दीस ना, हंसिया तो कौन ला दी कैसे कर दे? हाथ वाला चाहिए, हाथ वाला चाहिए, लेकिन वो 3-4 महीना लग जाएगा जोड़ने के लिए, उसमें अभी ऑपरेशन करना भी उतना आसानी नहीं है। ठीक ना, तो दुर्बल क्या ना, तुम्हें कि छोट वाले बेसि क्या करो ना कि लागसे बोलो, तुम्हार कष्ट कि बोलो, क्या खावा दावा करो ना, खावा दावा करो ना तो फिर करो तो तेल आप दुर्बल क्या कहाँ दर्द करते हो? डेमोक्रेटिक एक आधार से अगर हम स्वास्थ्य कार्यक्रम का विकास करना चाहते हैं, वो अपने आप अपने दम पे नहीं चल सकता है, उसको एक जन आंदोलन के साथ में के परिप्रेक्ष्य में, जन आंदोलन के ढांचा के अंतर्गत इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना जरूरी है। तो इसलिए जब हम लोग दल्ली राजहरा गए और दल्ली राजहरा में हमें पता चला कि यहाँ एक लोक जन आंदोलन है, जो मजदूरों का स्वयं का निर्मित किया हुआ जन आंदोलन है, और वो जन आंदोलन के तरफ से एक पहल किया जा रहा है स्वास्थ्य कार्यक्रम को, तो ये हम लोगों को, कई सारे लोगों को, हम लोगों को लगा कि ये एक बहुत
महत्वपूर्ण मौका है हमारे लिए एक खास ढांचा के अंतर्गत काम करने का। तो उस मौका का हम लोग उपयोग किए और मैं भी उस समय 1981 में जुड़ा और यहाँ आया और जो शंकर गुहा नियोगी के नेतृत्व में जो आंदोलन चल रहा था उसमें हम लोग जुड़े। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला जी हाँ लोहा खदान गली शहर महावेरे मन भाई जी हाँ काम करे महिला पुरुष मिल के संगवारी ये झरझर बरसा के पानी ले सही के जाड़ यो घाम खोदे खदान पहाड़ मां संगवारी दम 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 भैया टारा का भागेगा धुर्रा माटी उड़ाए ऊंच पहाड़ में मोर ड्राइवर भैया हाँ खतरा में गाड़ी चलाए भर भर लोहा के ये दे पथरल भैया अरे बंकर मेरे पहुँचाए वो पथरा संगी धोआ मजा के रे बागिन लोड कराए छुक छुकी भागे संगी रेलगाड़ी गाभी लेना घर पहुँचाए वहाँ के मजदूर ये दे तप तप के गा लोहा के पथरा गलाए सबके मेहनत वहाँ लगे है भैया रे स्टील लोहल बनावत जी सारी दिन भर काम करे सांझ घर में आए पर बीमार कबू कबू रे संगवारी कहीं इलाज नहीं पाए दर दर ठोकर खावेगा मोर भाई ये अस्पताल को मजदूरों ने बनाया। मजदूर ने सोचा कि नहीं हमारे मजदूरों का ठीक से इलाज नहीं होता है, बीएसबी वर्कर में जाते हैं तो बहुत लंबी लाइन रहती है और लाइन के दौरान कभी क्या है दवाई ठीक से देते हैं ठीक से नहीं देते हैं, ये सोच के हम लोग मजदूरों लोगों ने अपना ये अस्पताल को बनाया। मजदूरों का अस्पताल है, हम बता रहे हैं हमारा अस्पताल है, मजदूर बना है, मजदूर का अस्पताल है। अब मजदूरे चंदा दे है, मजदूरे काम करे है, तब काकर हो ही। कभी हम लोग 15 दिन का रोजी देते थे, कभी 1 महीने का रोजी देते थे, सभी मजदूर लोग देते थे। काम करे हन ये ईटा अमरन सीमेंट अमरन गिट्टी अमरन वहाँ लाइन के लाइन चाह सब आज मजदूर में रहन नहीं पहाड़ी लाना लाइन के लाइन रहन ये मोर लग वो झोंका चौका वो झोंका जैसे ढंग के रहा है आधा मन सीमेंट में दें आधा मन गिट्टी दें ऐसे कर करके कमाते गए हैं। आन 4 बजे पहाड़ी से पारी 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 चलत जाए ज़्यादा में भीड़ हो जाए ऐसे ढंग के निकले हॉस्पिटल। कम से कम 10,000 मजदूर थे, सब ने अपने अपने सेक्शन में सवेरे कारट पटा करके बैठक किए और बैठक करके एक निर्णय लिया गया कि हम लोग अपने 1-1 महीने का जो अलाउंस का जो तनख्वाह होता है उस अलाउंस को तनखे को यूनियन ऑफिस में जमा करेंगे और उस पैसे से हॉस्पिटल का निर्माण करेंगे और एक हर खदान से 10-10 आदमी डेली एक टोली बनाया और वो हर आदमी कारट पटा करके 10 बजे तक के काम करके 10 बजे के बाद यूनियन ऑफिस आते थे और वहाँ से
ट्रक लेकर के, जो ट्रक हमारे माइंस में चलते हैं वो ट्रक का भी पारी बंधा था, उसको लेकर के कोई रेती के लिए जा रहा है, कोई लकड़ी के लिए जा रहा है, कोई गिट्टी के लिए जा रहा है, कोई सीमेंट के लिए जा रहा है, और आधा मजदूर जो है हॉस्पिटल में जो निर्माण हो रहा था खुद अपने हाथ से नेव खोदे, अपने हाथ से पूरा पत्थर ढुलाए, लकड़ी ढुलाए, सब चीज़ किए, और हम ही लोग खुद सर में झोंड़ी उठा उठा करके उस हॉस्पिटल का 1980 में निर्माण किए। उन्नीस सौ 1977 में दलित राजा रकम मजदूरों ने एक नया संगठन बनाया। इससे पहले सारे मजदूरों ने इंटर द कांग्रेस समर्थित और कम्युनिस्ट पार्टी एटक में इन्होंने मजदूरों ने बांटवारा था। तो दलित राजा में दो किस्म के वर्कर था, कुछ ठेकेदारी मजदूर था, कुछ रेगुलर मजदूर था। ये सारे मजदूर जो है ठेकेदारी मजदूर था, जिन्होंने एक ही किस्म का बोनस का मांग किया था, जो बोनस जो है क्योंकि हम सारे एक ही किस्म का काम करता हूँ तो एक काम के लिए एक ही किस्म का बोनस मिलना चाहिए। लेकिन जो ट्रेड यूनियन का सदस्य जो है उन्होंने इसको मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। लाल मैदान में बैठा रहा तो कोई संगठन बनाने के लिए कोई नेता किसी को आने का हिम्मत नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने शंकर गोनियों के पास गया, उन्होंने बोला कि ठीक है हम आप लोगों को साथ देने के लिए तैयार है। तो एक नया संगठन बना, छत्तीसगढ़ माइंस श्रमिक संघ। संगठन बनने के बाद उन्होंने ये तय किया, जो संगठन में जो मजदूरों ने जो 8 घंटा माइंस में काम करता है, 8 घंटे का बाद भी उनका 16 घंटे का ज़िंदगी रहता है, तो ये 16 घंटे का ज़िंदगी उन्होंने कैसे अच्छा बिता सकता, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। तो इसके लिए बहुत सारा कार्यक्रम उन्होंने लिया, कई सारा विभाग बना, उसमें स्वास्थ्य एक विभाग है, शिक्षा एक विभाग है, युवा के लिए एक विभाग है, खेल कूद के लिए एक विभाग है, महिलाओं के लिए विभाग है, अलग अलग विभाग बनाया और वो विभाग लेके काम चालू हुआ। तो स्वास्थ्य उसमें एक बहुत बड़ा अहम भूमिका था। इसी बीच में एक और घटना हुई कि हमारा एक महिला साथी कुसुमबाई, जो उस समय यूनियन का उपाध्यक्ष होती थी, उनका प्रसव का दर्द शुरू हुआ। बीएसपी अस्पताल में उन समय में ठेकेदारी में खदान मजदूरों का, विशेष करके रेजिंग मजदूरों का इलाज बीएसपी में ट्रीटमेंट होता था, ओपीडी वगैरह, तो वो बीएसपी अस्पताल में गए, लेकिन उनको खदान वाली है, गंदा है करके उनका ठीक से इलाज वलग नहीं किया, छुट्टी दे दिए। और उसी इलाज में उनको भिलाई रेफर करना है, तमाम करते करते उनका मृत्यु हो गई। कि हम संगठित हैं, संगठित होने के बाद भी हमारा ये हाल हुआ तो जो असंगठित मजदूर हैं उन्हें क्या होता होगा। तो क्यों ना हम एक अस्पताल का निर्माण कराएं, जैसे साफ पानी के लिए नल का, बोरिंग का उपयोग शुरू किया, किसानों के भलाई के लिए क्षतिग्रस्त मुक्ति मोर्चा का गठन किया, शिक्षा विभाग के लिए हम स्कूल का बंदोबस्त किया, तो स्वास्थ्य के लिए हम क्यों ना एक
अस्पताल तैयार कर सकते हैं। मेरे को उस टाइम असंभव लगा, योगी जी जब बोले कि हम यहाँ हॉस्पिटल बनाएंगे तो हॉस्पिटल बनाना कोई काफी छोटा मोटा मामला है तो है नहीं। तो उन्होंने मेरे को ले गए एक जगह, एक गंदा सा झाड़ी था, एक छोटा सा पहाड़ी जैसा, वहाँ ले जाके बोले कि अगर आप परिकल्पना बना लेते हैं तो मैं 3 महीने के अंदर आपको हॉस्पिटल बना के दूंगा। अलवर से बुधराम बाबा रही से जाना था इसके नहीं। अरे ससुर है, अच्छा मैं तो पिछले साल बुधवार बुधराम जी के घर गया था, गांव गया था, वो कर बहू और बेटा वगैरह जो घर में रही से। हाँ फिर उस दिन जो है तुम्हारा वो पूजा था वो पहाड़ी के उस पर पिछले साल। तो शुरू में तो हमारा ना डिस्पेंसरी था ना हॉस्पिटल था, तो हम लोग मोहल्ला मोहल्ला में जाके लोगों से मीटिंग करते थे ये समझाने के लिए कि जो दवाई वहाँ चलता है वो दवाई लोगों को मन में जो भ्रम है संस्कार है कि क्या करने से अच्छा होगा उसको समझाने का कोशिश कराना। और हम लोग बीच बीच में जैसे डायरिया हुआ या दूसरा कोई बीमारी हुआ उसमें जो सही रास्ता है क्या करना चाहिए ये हम लोग समझाते थे, लेकिन उसमें ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ा क्योंकि लोग समझते नहीं थे कि हम लोग डॉक्टर हैं, हम लोग सिर्फ बातचीत चर्चा करते थे। तो बाद में हम लोग तय किए कि हम लोग एक डिस्पेंसरी बनाएंगे। कहाँ तू देखे? ओ अभी थोड़ा सा दिमाग में गया ना, उम्र हो गया ना, थोड़ा सी उल्टा पल्टा बोलता है। पहले नहीं बोला था इसे ना, अभी बोला था ना, वो ठीक आ जाएगा। हाँ ठीक। दली राजा राम में 2 हिस्सा था, एक मजदूर का हिस्सा था, एक रेगुलर मजदूर का हिस्सा था, उस जगह BSP का एक टाउनशिप था, और ये दूसरी तरफ जो मजदूर ने छोटे छोटे झोपड़ी में रहता था उसमें ना पानी का बंदोबस्त है ना साफ सफाई का बंदोबस्त, कोई बंदोबस्त नहीं है। तो बहुत दिनों से संगठन जो है साफ सफाई के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए आंदोलन कर रहे थे, लेकिन कुछ ध्यान नहीं दे रहे थे भिलाई स्टील प्लांट। तो एक बार जो है मजदूर ने तय किया तो एक काम किया जाए, सारे जो गंदगी है हमारा आजू बाजू में रास्ता में सारे गंदगी में हम सब झाड़ू मार के जो है उसको इकट्ठा करें, और BSP का जो अधिकारी लोग है उनका घर का सामने जाके उसको जमा करके आ जाए। तो पहले उनको चेतावनी दिया गया है, तब भी जो है उन्होंने सुनने के लिए तैयार नहीं है। तब क्या किया, सब एक साथ मिल के हजारों का तादाद में लोगों ने जो है पूरा रास्ता मोहल्ला सब जगह झाड़ू लगा के पूरा गंदगी इकट्ठा करके उसको ट्रक में भर के ले जाके माइंस ऑफिस, और माइंस ऑफिस उसका बाद जो है उनका जो माइंस का मैनेजर वगैरह जो है जो अधिकारी वगैरह है उनका घर का सामने जो है इकट्ठा कर दिया। तो उसका बाद से जो है जो हुआ मजदूर बस्ती का भी सफाई चालू हो गया। ये एक बहुत बड़ा आंदोलन था जो सफाई आंदोलन, वो हमारा अस्पताल बनाने के लिए, वो हमारा संगठन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा एक मुद्दा था। Thank you.
उस समय का जो जो समस्या था, जैसे शराब जो है एक बहुत बड़ा समस्या था मजदूरों के बीच में, दूसरा जो है जेजकी में जो डिलीवरी का समय जो है डिलीवरी दर्द बढ़ाने के जो सूजी लगाता था, इंजेक्शन लगाता था, उसमें बहुत सारा महिलाओं का जो बच्चाधनी फट जाता था वो एक समस्या था। तो ये सारे समस्या लेके जो है हम लोग जो है नया करके हम लोग नया नया पोस्टर तैयार किया, और ये पोस्टर एग्जीबिशन जो है हम हर दफाई में मजदूरों का बस्ती में काम करते थे, और दूसरा समय जो है उन्होंने खदान में चला जाते थे, खदान में जाके खदान में मजदूरों के साथ चर्चा करता था। हमारा सिस्टर लोग को सिखाते थे चलो हम लोग को दफाई में जाना पड़ेगा, क्योंकि दफाई से निकल के हर बीमार को जो है ना इधर इलाज करने के लिए तो नहीं आते हैं, घर में क्या समस्या हो रहा है, उसको बच्चा का क्या समस्या हो रहा है, महिला का क्या समस्या है, उसको हमको ढूंढना पड़ेगा। तो हम लोग जो है ना हर दफाई दफाई में गए थे, जाके जो है ना महिला लोग को मिलते थे, शाम को जब दिन भर का काम हो जाते थे शाम को मिलते थे, क्या समस्या हो रहा है, कैसे बच्चा को दूध पिलाना है, पहले दूध क्यों पिलाना है, माँ को खाना क्यों देना चाहिए, खाना देने के बाद नहीं देने से क्या तकलीफ होगा, फिर दूध नहीं आने से बच्चा को क्या तकलीफ होगा। ये एक दिन का प्रक्रिया नहीं था, हम लोग को जो है ना एक शेड्यूल बना लिया था, आज ये बस्ती में जाएंगे पहले से उन लोग को खबर कर देते थे। उसमें जो है ना पुरुष लोगों का ये भागीदारी हुआ मजदूर लोगों को, वो लोग जो है ना उनका पत्नी को सिखाते थे दीदी लोग आएंगे आप लोग को जाना चाहिए। एक बार बरसात में पूरे डॉक्टरों का मीटिंग करके एक तय किए कि हमारे रायथुरा में टट्टी उल्टी से कोई मौत नहीं होना चाहिए, सभी लोगों ने संपर्क किया। तो हम लोगों ने रात भर जा जा के खदान से आके हम लोग 10-11 हेल्थ वर्कर थे, खदान से आके अस्पताल में अपना समय देते थे, वो लोग रात में जाके दीवार में लिखते थे टट्टी उल्टी के बारे में, पसिया पिलाओ, टट्टी उल्टी होने से शरबत पिलाओ, शरबत बनाने का तरीका। तो लोग हम लोग को ऐसे चिढ़ाते थे कि कहीं भी देखते थे डिब्बा लेके जाते तो बोलते थे कि टट्टी उल्टी वाले लोग आ गए। उससे मैं गुस्सा होता था, एक रोज मैं इनकार कर दिया मैं नहीं जाऊंगा। जाना सर बोला कि जो आपके यहाँ मड़ई होता है, मैं बोला हाँ, नाचा पार्टी वाले आता है, हाँ तो नाचा पार्टी वाले आते हैं उसको क्या बोलते हैं, नाचा वाले बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, मैं बोला हाँ नाचा वाले आया है बोल रहे हैं, कोई सफेरा आता है तो सफेरा वाले बोलते हैं, हाँ बाजा वाले आते हैं तो बाजा वाले बोलते हैं, तो आप टट्टी उल्टी के ऊपर काम कर रहे हो तो आपको तो टट्टी उल्टी वाले आ रहा है बोलेगा ही। तब उस रोज मेरे दिमाग में फिर आया नया चेतना आया और फिर एक कजली के डब्बा उठाया और फिर दीवार में लिखने के लिए गया।
शुरुआत में जब अस्पताल बन गया, डॉक्टर लोग आना शुरू हुए, लेकिन चूंकि डॉक्टर हैं और भी एडिशनल कुछ खर्चा होता है, इसको लेकर के हम लोगों ने पूरा मजदूरों ने मिल करके अपना एक महीने का अलाउंसेस जो होता है, माइंस अलाउंस, ट्रांसपोर्ट सेफ्टी, हाउस रेंट अलाउंस, ये तीनों अलाउंस को मिला करके एक अस्पताल को हम लोग डोनेट किए पूरा मजदूर, और उससे एक गाड़ी खरीदे, क्योंकि ये तो एक बारगी हो गया, लेकिन उसको कंटिन्यू रखने के लिए एक गाड़ी खरीदे, और उस नया गाड़ी से जो भी काम होगा, उस ज़माने में जो डॉक्टर लोगों का जो छोटा पेमेंट होता था, वो पेमेंट हम लोग एक सहायता के रूप में थोड़ा बहुत करते थे। मजदूरों का जो भागीदारी जो है हम लोगों का जो अस्पताल में, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट भागीदारी है। इसको बोलते हैं स्वास्थ्यकर्मी। जो मजदूरों ने जो है उन्होंने दिन भर जो है खदान में काम करता था, उसका बाद जो है अस्पताल में आ जाते थे, अस्पताल में आके जो है उन्होंने काम करता था, और उसके लिए उन्होंने ये जो जितना सालों से उन्होंने काम किया उसके लिए एक पैसा भी, एक भी मजदूर जो है अस्पताल से नहीं लिया। और ये बहुत इम्पोर्टेंट एक बात है जी, उन्होंने स्वास्थ्य का मामला में सारे जी, उन्होंने इंजेक्शन देना जानता था, उन्होंने इलाज करना भी सीखा, वो सारी चीज़ करता था। कभी भी कोई सिस्टर मान लीजिए नहीं आया तो वो सिस्टर का ड्यूटी करते थे, उन्होंने नाइट ड्यूटी करके फिर सुबह खदान में चले जाते थे, फिर शाम को जो है फिर दोबारा आ जाते थे। तो इस किस्म का कितना सारा काम जो है जो इस अस्पताल के लिए उन्होंने किया, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एक बात है जो मजदूरों का अस्पताल में मजदूरों का भागीदारी जो है ये नहीं होता तो ये अस्पताल जो है निश्चित रूप से आगे नहीं बढ़ सकता। स्वास्थ्य विभाग में काम करने के लिए कौन कौन इच्छुक हो करके नियोगी जी बोले, तो ऐसे ही हम लोग करीब 8-10 जने थे। हम लोग ड्यूटी से आके निस्वार्थ हॉस्पिटल में काम करते थे। तब से अभी तक जारी है। वहाँ शुरुआत में तो इंडोर ड्यूटी भी करते थे, आउटडोर में दवाई देते थे, यहाँ तक कभी कभी डॉक्टर नहीं होने पर पेशेंट भी देख लेते थे। आजकल मैं देख रहा हूँ स्टॉक देख रहा हूँ, दवाई का पूरा बिलिंग देख रहा हूँ पूरा, और कंपनी में जो ठेकेदारी वर्करों का जो फ्री इलाज होता है ना, उसका भी ट्रीटमेंट का ये हिसाब देखना। पूरे डॉक्टर लोगों को हमारा फूड पॉइजनिंग हो गया था। उस समय तो नियोगी जी भी था, उस समय सभी लोग थे, तो पूरा अस्पताल को हेल्थ वर्कर लोग चलाए थे उसी समय, सभी एवल क्यूलाल सब पेशेंट देखते थे। यहाँ तक कि डॉक्टर तिवारी था वहाँ से, उसको बुला के लाते थे राउंड वगैरह के लिए, और हम लोग पूरा डॉक्टर लोगों को भी इलाज करते थे और पूरे अस्पताल को भी इलाज करते थे।
ये फलके है तो ये मैं स्क्रू करीस ना, स्क्रू करे के बाद ये फिट हो गए है, ठीक है। अब ये दिनी करते अपन जुड़ते तो ये जुड़ती नहीं जुड़ती से में दिक्कत होती, ठीक है। अब ये ऑपरेशन कराए के बाद हालांकि पैसा लगी तो लगीस लेकिन बहुत जल्दी आराम हो जाबे, ठीक है। अब जल्दी चले के कोशिश नहीं करना है, डॉक्टर से पूछ लेना है तेकर बाद चलना है, ठीक। नेव से मैं यहाँ हूँ, नेव को निकलते देखा हूँ, यहाँ के लिए रेती लाया हूँ। यहाँ कम से कम 5 घंटा 6 घंटा एकदम निश्चित है, 4:30 बजे यहाँ आ जाता था और 10 बजे रात को घर जाता था। उसके बाद जाता था, खाना बनाता था, खाता था, फिर सवेरे फिर काम में चला जाता था। हम लोगों के पास कुछ ड्रेस वगैरह था ही नहीं, ग्लव्स था, तो मेरा और डॉक्टर जाना का कुछ नाइट ड्रेस था, तो नाइट ड्रेस को हम लोग स्टरिलाइज करना शुरू किया और उसको उलट के पहन लेते थे, तो ये हॉस्पिटल का जो गाउन है उसका काम हो जाता। तो हमको असिस्टेंट जरूरी था, तो इसीलिए हम लोग जो हमारा हेल्थ वर्कर्स था उनको ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। तो हेल्थ वर्कर्स ट्रेनिंग देना शुरू किए तो कुछ दिन के बाद इन लोग सीख गया। तो ये तो मैं जब ऑपरेशन करता था तो या तो हेल्थ वर्कर्स असिस्ट करते थे या नहीं तो बेहोश करने का काम हेल्थ वर्कर्स करते थे, और आज तक वो कर रहे हैं, मतलब तब से आज तक लोग कर रहे हैं। एक बार तो डॉक्टर चंचला ऑपरेशन करते करते बेहोश भी हो गए, उनका तबीयत ठीक नहीं था, तो बाकी हेल्थ वर्कर लोग मिल के ऑपरेशन कम्प्लीट किए। हम लोग पहले झाड़ू पोछा करते थे, कपड़ा धोते थे, 12 घंटा 13 घंटा यहाँ पे ड्यूटी करते थे। पहले हम लोग को तो बहुत दिन तक पेमेंट नहीं मिला है, हम ऐसे ही काम कर रहे थे 2-3 साल तक। उसके बाद 50 रुपया करके मिल रहा था, 50 रुपया 2-3 साल मिला, उसके बाद 100 रुपया मिला, दाल भात मिलता था इन्हें नापिस में, वो खाते थे। अभी तो हमें पेमेंट मिलता है। जैसे सरकारी एनएम जीएनएम बीएससी जितना भी हम लोग देख रहा है उनका जो है ना ट्रीटमेंट करने के लिए कोई मतलब परमिशन नहीं मिलता है, जानकारी नहीं है, कौन सी दवाई देना है उसको देने का हक नहीं है। लेकिन इधर जो है अनपढ़ सिस्टर है, ज़्यादा पढ़ाई नहीं किया है, लेकिन वो लोग दवाई कैसे इंग्लिश का दवाई कैसे पढ़ना है, कैसे निकालना है, कितना मात्रा में देना है, मेरा ना बहुत मैं बहुत खुश हूँ इधर आके, जो ये लोग जो सीख गया, मतलब एक मैं आने के बाद तो 26 साल हो गया ना, जब वो कितना बैच निकल गया तो कम से कम कहीं ना कहीं पे डिमांड आता है इधर, कोई नर्सिंग होम से कोई इधर से आपका बैच निकालने के बाद हम लोग को दे देंगे, तो इसमें खुशी लगता है जो कम से कम कुछ भी पैसा कमाए अपना पैर में तो लड़की लोग खड़ा हो रहा है ना। ये डिमांड रखते हैं मुझे इधर का जो मतलब ट्रेनिंग है उसको महत्व रखता है। एक तो शहीद अस्पताल में कोई हायरार्की नहीं था, शहीद अस्पताल में कोई चीफ मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट या डायरेक्टर नहीं रहा। हमारे एक कमेटी रही जिस कमेटी में डॉक्टर भी मेंबर रहे, सारे के सारे कर्मी मेंबर रहे। हम हर शुक्रवार को मीटिंग में बैठते थे, वो मीटिंग में अस्पताल के सारे पॉलिसी डिसीजंस और एग्जीक्यूटिव डिसीजंस हम उसी मीटिंग में लेते थे। और उस मीटिंग में एक डॉक्टर और एक सफाई करने वाला कर्मी में कोई फर्क नहीं रहता। तो इस तरीके से हम हमारे सपना का जो समाज उसमें हॉस्पिटल जैसा होना चाहिए उसका एक टुकड़ा को हम
साकार करने की कोशिश करते थे। और वहाँ पर एक हमारा जो ढांचा था वो था कि सारे के सारे कर्मी का वेतन एक जैसा था, मतलब जो सफाई करने वाला जो कर्मी है उसका भी जो वेतन है, जो ऑपरेशन में हमको मदद कर रहे उनका वेतन, दवाई देने वाला जो कर्मी उनका वेतन, ये बराबर रहा। और डॉक्टरों के वेतन के साथ कर्मियों का वेतन का फर्क बहुत कम रहता था। यहाँ ऊपर है कि यहाँ पर है? यहाँ ऊपर है, इस तरफ पे नहीं होता। योगी जी का जो उद्देश्य तो यही था कि मतलब अच्छा से मतलब ट्रीटमेंट होना चाहिए, मतलब हमको छोटा बड़ा का मतलब ये भेदभाव मतलब नहीं करना है कि ये छोटा है तो ये बड़ा है, उनसे मतलब आदर से बात नहीं करना, तो इनसे अच्छा से व्यवहार करना, और वो मजदूर है या वो भीख मंगा है तो उसको अच्छा से नहीं देखभाल करना, मतलब हमका मतलब इलाज के अस्पताल एक ऐसा है कि मतलब सभी को एक समान देखने का ये है। दाई आप डिलीवरी जब बच्चा हुई से तब डिलीवरी होने के बाद खाना खा हस? अब डिलीवरी होने बाद खाना नहीं दे, चाय दे, छोट दूध दे। और बच्चा ला दूध नहीं पिया? नहीं पियात रहे? के दिन तक नहीं पियात रहे? छठी होते कर बाद पियाओ, पाँच दिन में। और अभी बहुल खाना दे थस? बहुल आते दे, पहली बहू है। हाँ वही खिलाना है, मतलब बच्चे होने की तुरंत बाद जो माँ के थन से जो दूध निकलते पीला वाले, वो दूध है बहुत ताकतवर रहते ना, तो जो दूसरा और डिलीवरी हुई जिसे आपके पहचान वाले कहीं पर जिसे यहाँ नहीं हुई तो इस अस्पताल में नहीं हुई तो वोला पिलाते रहना है, पिलाए के लिए बोलना है, है? अच्छा ते दाई की बहू है रस? हाँ। खाना दे थे? हाँ। और खाना हमेशा खाते रहना है, ज़्यादा ताकत वाले काम नहीं करना है, है? तो एक तो डेमोक्रेटाइजेशन का था, दूसरा था कि टेक्नोलॉजी का डिमिस्टिफिकेशन प्रयास शुरू से रहा कि हम लोग जो भी इलाज के लिए जो भी हम लोग मेजर्स लेंगे, जो भी हम लोग प्रयास जो भी हम लोग करेंगे, तो उसके पीछे जो वैज्ञानिक सोच क्या है, ये लोगों को और मरीजों को, जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको और जो मरीज जो आते हैं उनको और उनके परिवार के लोगों को समझाना, ये हम लोगों का एक बहुत बड़ा इस काम को हम लोग बहुत महत्व शुरू से ही देने का प्रयास किए। एक गांव में टट्टी होटी हुई हम गेन, ओकर गांव में कोई नहीं ओधत रहा, हम मन गेन आस पास के नाली साफ करें, श्यम बोरिंग कला साफ करें, और घरों घर हम मन गेन, घरों घर गेन तो हमार सन में गीस, तो वो सादा नहीं गीस, सब दारू पी के गीस। हम मन ओल पूछें कि तुहर दारू पिए के खास मकसद का है, तो वो मन कहते हैजा फैले रही ना, तो दारू पिए में ना हैजा भगा जाते, ये सोच हमार गलत है। Thank you.
आमतौर पर जो है कोई भी अस्पताल जो है मजदूरों का जो आंदोलन में उस किस्म का भागीदारी नहीं रखता है, लेकिन इस अस्पताल मजदूरों ने बनाया है, इसलिए जो है मजदूरों का आंदोलन में जो है विशेष रूप से भागीदार। जब भिलाई का आंदोलन हुआ, जब राजनांदगांव का आंदोलन हुआ, कई सारे आंदोलन में जो है जब मजदूरों ने मुसीबत में आ जाता है, उनका जब रोजी रोटी बंद हो जाता है, उसका जब हड़ताल चलता है, तब एक अस्पताल जो है उनका सारे परिवार को देखभाल करने का जिम्मेदारी जो है उनका पास हो जाता है। आज भी जो है जब भी कहीं पे आंदोलन होता है, उस आंदोलन का मजदूरों ने जब हम लोगों को खबर करता है, तो फिर हम लोग अपना टीम जो है उस जगह पहुँच जाता है, कभी रेगुलर क्लिनिक चलाता है, कभी इरेगुलर क्लिनिक चलाता है, इस किस्म का जो है काम करता रहता है। कोई भी इसमें जाओ, नर्सिंग होम में या कहीं भी, तो एक झाड़ू पोछा करने वाला भी आपसे पैसा ले लेगा कि मैं इतना दिन आपका सेवा किया हूँ, आप मेरे को 50 रुपया दो, 100 रुपया दो, बोलने में शर्म नहीं आता। लेकिन हमारा अस्पताल ऐसी है और हम स्टाफ लोग ऐसे हैं जो किसी पेशेंट से 1 रुपया का एक हफ चाय भी नहीं पीते हैं, ये हमारा है। तो हम लोग उस माहौल को बना के रखे हैं, जैसे कोई महिला है जिसका बच्चा नहीं आ रहा है, जिसका दूध नहीं आ रहा है, 2 बच्चे हैं 3 बच्चे हैं, तो उनको समझाते हैं कि आप उनके बच्चे को दूध पिलाओगे तो ये दान होगा। और कोई ना ही मतलब ना भी नहीं करते कोई महिला। और क्योंकि एक सामाजिक आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ एक हेल्थ का प्रक्रिया चला, इसीलिए ये बहुत दूर आगे बढ़ सका। जैसे एक बार ऐसी हुआ कि गांव से, तब हमारा हॉस्पिटल था ही नहीं, गांव से एक महिला आए जिसकी होने वाला रुक गया था, जिसकी नहीं हो रहा था, तो उनका पेट में बच्चा फंस गया, वहाँ नजदीक में एक हॉस्पिटल है पुष्पा हॉस्पिटल में वो भर्ती किए, वहाँ डॉक्टर जाना तब काम करते थे। क्योंकि मैं शल्य चिकित्सा करता था, मेरे को खबर दिया कि आप किसी भी तरह आओ और इनको सिजारियन करना है, सिजारियन ऑपरेशन करके बच्चे को निकलना है, नहीं तो माँ खत्म होने वाली है। तो मैं दौड़ते हुए साइकिल लेके गया, 3 किलोमीटर था मेरा हॉस्पिटल से, तो वहाँ जाके हम लोग, माँ का हालत बहुत खराब था, तो मैं सिजारियन करके किया, तो माँ का खून का जरूरत था, तो कहाँ ए पॉजिटिव मिलेगा, तो मेरे को इच्छा तो था नहीं, लेकिन ज़बरदस्ती मेरे को सुला दिया और मेरे से ए पॉजिटिव ब्लड 2 यूनिट लेकर उनको डाल दिया। तो मैं जब वापस जा रहा था बहुत टायर्ड था, एक तो खून दिया, ऑपरेशन किया, ये लग रहा था, तो रास्ते में नियोगी जी मिले। नियोगी जी मेरे को पूछा कि कहाँ से आ रहे हैं आपको इतना थका हुआ लगता है, तो मैंने बोला कि एक सिजारियन था, उसको तो शायद वो नहीं बचेगी, लेकिन 2 यूनिट ब्लड तो हम लोग दिए, लेकिन और ब्लड चाहिए, नहीं तो नहीं बचेगी।
इसके बाद मेरे को कुछ मालूम नहीं। शाम को हॉस्पिटल में पेशेंट को देखने गया तो वहाँ देखा कि मजदूर लोगों को एक लाइन लगा हुआ है, कम से कम 100 मजदूर खड़ा है। तो मैं बोला ये क्या हुआ, तो नियोगी जी बोले हम सबको लाए हैं, कितना ए पॉजिटिव आपको चाहिए, हम वो मरीज को बचाएंगे, इसमें से सब ए पॉजिटिव को आप खून लेते रहिए। तो मैंने आई वॉज रियली एस्टॉनिस्ट क्योंकि इतने लोग सब, और उसी दिन हम लोग तय किए कि हर मजदूर का ग्रुप हम लोग जानेंगे, कोई मरीज का कोई भी परेशानी होगा तो वो मरीज ब्लड हमारा रेडी रहेगा, राजा राम ब्लड बैंक रेडी रहेगा। खैर वो मरीज आखिर तक बचा नहीं, मर गए। पर इससे आपको पता चलेगा कि हमको कितना सोशल सपोर्ट हेल्थ वर्क में उनको एक आंदोलन के साथ जुड़े होने के कारण हमको कितना सोशल सपोर्ट मिल सकता है। जज्बा होता है कोई भी चीज़ के लिए, जैसे एक यूनियन में मेरा एक जज्बा है, 5 बजे से लेकर के 12 बजे रात तक भी मैं काम कर देता हूँ, लेकिन बाकी लोगों को उस ढंग से जज्बा मैं देख नहीं पाता हूँ, ये मेरे लिए भी समस्या है। डॉक्टर जाना का भी यही समस्या है, डॉक्टर जाना भी 24 घंटा में किसी समय भी अगर ज़रूरत पड़ता है तो वो देखते हैं, क्योंकि उनको एक हॉस्पिटल का और एक कॉन्सेप्ट का, एक आइडियोलॉजी का एक जिम्मेदारी है, तो उसको एक आइडियोलॉजी के साथ में देखते हैं, बाकी लोग उसको एक आइडियोलॉजी के साथ में नहीं देख पाते हैं, निकल रहे हैं कोई कोई लोग। अभी ऐसे लगता है कि हम एक छोटा सा पौधा, एक छोटा सा पौधा हम लोग जगाए थे और आज जाके वो इतना हरा भरा हो गया, ये ऐसे लगता है। और अस्पताल को देख के मेरे को तो ऐसे ही लगता है कि एक बहुत बड़ा हरा भरा बहुत बड़ा बरगद का झाड़ बन गया है। मुझको लगता है कि कोई न कोई हमारा कर्मचारी आएगा, एक टीम वर्क होगा, वो टीम वर्क उसको संभालेगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, यूनियन में भी और अस्पताल में भी। पांव के तेरे जूते को मजदूर ने बनाया है, बैठते हो कुर्सी वो मजदूर ने बनाया है, सोते हो जो पलंग वो मजदूर ने बनाया है, पहने हो जो कपड़े वो मजदूर ने बनाया है, इज्जत तेरा बचाया तेरा आबरू बचाया है, कुर्सी तोड़ने वालों तूने क्या बनाया है, बता कुर्सी तोड़ने वालों तूने क्या बनाया है, कागज और किताब को मजदूर ने बनाया है, जो कलम से लिखते हो मजदूर ने बनाया है, घड़ी भी बनाया है और रेडियो बनाया है, करते हो बात फोन से मजदूर ने बनाया है, बंदूक भी बनाया है पिस्तौल भी बनाया है, और जिसके बल पे तूने भोले जनता को दबाया है, मेहनत कशों ने बनाया और तू अधिकार जमाया है, कुर्सी तोड़ने वालों तूने क्या बनाया है, बता कुर्सी तोड़ने वालों तूने क्या बनाया है, पीतल भी बनाया है और लोहा भी बनाया है, तांबा भी बनाया है और शीशम भी बनाया है, चांदी और सोना को खदानों से निकाला है, बना के जेवर भाई तेरे बीवी को सजाया है, फिर भी भूखा मरता तुझे पूछने को आया है, कुर्सी तोड़ने वालों तूने क्या बनाया है, बस इतना किया है तूने जनता को लूट खाया है, कुर्सी तोड़ने वालों तूने क्या बनाया है, बता कुर्सी तोड़ने वालों तूने क्या बनाया है।
मजदूरों का अस्पताल है, हम बता रहे हैं हमारा अस्पताल है, मजदूर बना है, मजदूर का अस्पताल है। अब मजदूरे चंदा दे है, मजदूरे काम करे है, तब वो काकर होगी। कभी हम लोग 15 दिन का रोजी देते थे, कभी 1 महीने का रोजी देते थे, सभी मजदूर लोग देते थे। काम करे हन ये ईटा अमरन, सीमेंट अमरन, गिट्टी अमरन, वहाँ लाइन के लाइन चाह सब आज मजदूर मर रहन नहीं, पहाड़ी लानो लाइन के लाइन रहन, ये मोर लग वो झोंका चौकल वो झोंका देसी ढंग के रहा है, आधा मन सीमेंट में दें, आधा मन गिट्टी दें। मैं भी उस समय 1981 में जुड़ा और यहाँ आया, और जो शंकर गुहा नियोगी के नेतृत्व में जो आंदोलन चल रहा था उसमें हम लोग जुड़े। अभी ऐसे लगता है कि हम एक छोटा सा पौधा, एक छोटा सा पौधा हम लोग जगाए थे और आज जाके वो इतना हरा भरा हो गया, ये ऐसे लगता है। और अस्पताल को देख के मेरे को तो ऐसे ही लगता है कि एक बहुत बड़ा हरा भरा बहुत बड़ा बरगद का झाड़ बन गया है। पांव के तेरे जूते को मजदूर ने बनाया है, बैठते हो कुर्सी वो मजदूर ने बनाया है, सोते हो जो पलंग वो मजदूर ने बनाया है, पहने हो जो कपड़े वो मजदूर ने बनाया है, इज्जत तेरा बचाया, तेरा आबरू बचाया है, कुर्सी तोड़ने वालों तूने क्या बनाया है, बता कुर्सी तोड़ने वालों तूने क्या बनाया है।